दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट। जिला युवा कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष आशीष ठाकुर की अगुवाई में फोरलेन निर्माणाधीन कंपनी के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदेश महासचिव एवं जिला बिलासपुर प्रभारी ईशान ओहरी भी मौजूद रहे। इस दौरान युवा कांग्रेस ने कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथियों के पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, चाहे जेसीबी मशीन की बात करें, चाहे पोकलेन की बात हो, चाहे टिप्पर्स की बात हो, हमारे बिलासपुर के लोगों के पास आज पर्याप्त मात्रा में सभी मशीनरी उपलब्ध हैं। बिलासपुर के लोगों ने विस्थापन का दर्द सहा है, अपनी जमीनें घर बार इस फोर लेन कंपनी के अधीन किए हैं, पर यह कंपनी वाले पता नहीं क्या समझ बैठे हैं, काम हमारी जमीनों के ऊपर कर रहे हैं और जहां पर हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए वहां पर रोजगार के नाम पर ये ठेंगा दिखा रहे हैं। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि गावर इंटरनेशनल के द्वारा जितने भी ठेके दिए जा रहे हैं वो कोई हरियाणा की कंपनियों को दिए जा रहे हैं, कोई दिल्ली की कंपनियों को दिए जा रहे हैं, कोई पंजाब की कंपनियों को दिए जा रहे हैं। क्या हमारे बिलासपुर जिला के अंदर इतने सक्षम ठेकेदार नहीं है कि वो इस काम को कर सके? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। साथियों, आपके ध्यानार्थ लेके आना चाहता हूँ कि बिलासपुर जिला के अंदर 1,00,000 से ज्यादा बेरोजगार युवा साथी हैं। आज जैसे ये प्रोजेक्ट शुरू हुए तो हमारे स्थानीय बेरोजगार युवाओं को एक उम्मीद जागी थी कि इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से उन्हें यहाँ अपने स्थानीय क्षेत्र में रोजगार मिलेगा, पर इनके जो हाव भाव हैं कंपनी के वो बिल्कुल बदले से हैं। इससे पहले भी काम हुआ फोरलेन का, वहां पर हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिला, चाहे ठेकों की बात थी चाहे हमारे स्थानीय लोगों को कंपनी के अंदर काम करने की बात थी। वहीं आग्रह किया कि कंपनी में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशीष ठाकुर ने कहा कि कंपनी प्रशासन द्वारा स्थानीय युवाओं को दरकिनार करके बाहरी प्रदेशों के युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। यदि एक माह के भीतर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई तो एक माह के भीतर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार प्रशासन की होगी। नमस्कार, आज जिला बिलासपुर युवा कांग्रेस ने फोर लेन निर्माणाधीन कंपनी गावर इंटरनेशनल के कार्यालय कोड्डी के बाहर धरना प्रदर्शन किया। जो ये धरना प्रदर्शन था, इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारे जिला बिलासपुर के स्थानीय युवा हैं उनको रोजगार दिलवाना है। बताना चाहता हूँ कि जो गावर इंटरनेशनल कंपनी है, आज जो हमारे बिलासपुर जिला के स्थानीय युवा हैं उनको दरकिनार करके बाहरी लोगों को तवज्जो दे रही है। चाहे कंपनी में नौकरी की बात हो, चाहे मशीनरी की बात हो, चाहे ठेकेदारी की बात हो, आज गावर इंटरनेशनल कंपनी बाहरी राज्यों के लोगों को हर जगह पर तवज्जो दे रही है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। जो हमारा धरना प्रदर्शन था वो लगभग 1 घंटे तक चला। धरना प्रदर्शन के बाद आज हम जो गावर इंटरनेशनल कंपनी के HR प्रवीण जी हैं उनसे मिले और उनको एक ज्ञापन दिया। जो एक ज्ञापन है वो हमने गावर इंटरनेशनल के जो परियोजना निदेशक हैं उनको दिया है और हमने कंपनी को 1 माह का अल्टीमेटम दिया है
हमने कंपनी से मांग रखी है कि एक माह के अंदर स्थिति स्पष्ट करें कि उन्होंने बिलासपुर जिला के कितने लोगों को कंपनी में नौकरियां और कितनी मशीनरी और कितने ही लोगों को ठेकेदारी के ठेके दिए। अगर हमने साफ तौर से कहा है कि अगर कंपनी ने बिलासपुर के लोगों के साथ दगाबाजी की तो जैसे ही एक महीना पूरा होगा उसके बाद बिलासपुर युवा कांग्रेस स्थानीय लोगों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन गावर इंटरनेशनल कंपनी के विरुद्ध शुरू करेगी और ये जो आंदोलन होगा इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी गावर इंटरनेशनल कंपनी की होगी। जय हिंद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अनिल पटियाल की रिपोर्ट।